جزاك الله ما شاء الله. ما شاء الله سبحان الله يا رب العالمين أنت سيدنا محمد. أبدا تعيش أنت عندك أنت سرانيك. يوم جب بنتا هي تلاوم 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 تلاوم. और यकीनन एक ऐसा मौका है जिसमें
सब लोगों को आगे बढ़कर काम करना चाहिए। मैं अपने नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ और उससे जज्बे की कदर करता हूँ कि हमारे डिसिप्लिन के साथ मैचेस होने चाहिए और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इस गेम को यकीन आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर। आपने नाम देने जा रहा हूँ हमारे मॉन्सर्स मेहमान ग्रामीण जीपीएस इस इवेंट के चौधरी प्रवेश जी बात लोसर जो कि चेयरमैन है यूरो पास फ्रेंडशिप के। आपकी तारीफ में चौधरी प्रवेश जी बात सर। मैं अपने दोस्तों का आज मेरे कायनात को लोगों से करूंगा दुनिया में जीवन दुनिया वाले तुम्हारे प्रसाद बन जाएंगे जब बर्फ तुम खिलोगे दुनिया में इस शान शोक से जो जैसे हमेशा गुजर रहना है आप भरत की प्यारी जो करो जैसे काम बन जाना है तमाम भारतीय मैं उनको मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम जोर से कहें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं डायरेक्टर जनरल मंसूर अहमद खान साहब जो मेरे भाई हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सरदार साहब जो कि आज के इवेंट के स्पॉन्सर हैं उनका भी आज का दिन जो है मैं नौजवानों आपको ये बताना चाहता हूँ मैं 30 साल से यूरोप में रहता हूँ लेकिन मेरा दिल इस मुल्क के साथ इस मट्टी के साथ रहता है। मेरा फर्ज पाकिस्तान है। अगर मुझे फरंगियों में रहते हुए 30 साल हो गए हैं लेकिन मेरी पहचान में शब्द हरानी पर है इस पर मुझे फर्ज है। आज 5 फरवरी का जो दिन है यह योम यज्ञ के कश्मीर है जब पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने ऐन किया था हमारा जीना मरना उठना बैठना हमारे बहन भाई के साथ है जो 73 साल से दुनिया की दहशत फौज का मुलाजम का शिकार हो रहे हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क मुल्क पाकिस्तान जिसमें 63% आप नौजवान हैं यह मुझे बताए उसकी यूथ 63% हो उसको नरेंद्र मोदी जैसा दहशत क्या नुकसान दे सकेगा। आज आपके प्रोग्राम में आने से पहले मैं एनओसी पे गया और वहां पर मैंने ख्वाजे पाकिस्तान के नौजवानों को मिला जहां पर मैं खड़ा था 1 किलोमीटर सामने नरेंद्र मोदी की फौज की। मैंने उनको यह पैगाम दिया 1965 में जब आप नाश्ता करने लाहौर आए थे ख्वाजे पाकिस्तान ने चुविंदा के बादल से तुम्हें रोक कर तुम्हें छिटर मित्र और टेंडर बांध के और फिर उसके बाद ये दुनिया को कहते हैं कि हम इंटरनेशनली पीस चाहते हैं अमन चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने 2015-16 में कन्वर्शन को बलोचिस्तान भेजकर ये देखना चाहा कि ये फौज सो रही है ये जाग रही है लेकिन हमने कन्वर्शन जासूस को पकड़ कर हमारी फौज ने ये साबित कर दिया। नरेंद्र मोदी सामने से आओगे या पीछे से आओगे हम मुकाबला करेंगे। और आखिर तक आपको बताऊं पिछले साल 27 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने अभिनंदन की शक्ल में एक टेक्स्ट कर भेजा कहा जाओ सच्ची का उत्साह करो उसको यह पता नहीं ये सामने ख्वाजे पाकिस्तान है उमराना मकसद की फौज नहीं है। और आज का दिन मैं आपको बताऊं जब भी स्पोर्ट में जान जाओ जेल में एक बात कर दो हमारा एक दुश्मन है वो मीडिया है। हमने स्पोर्ट टेन्यू को मारना है फौज के लिहाज से मारना है जहां हमारे सामने आए हमारा दुश्मन मीडिया है उसका हमने मुकाबला करना है। मेरे साथ एक नारा है पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जो पाकिस्तानी फौजियों को कहा था
उन मांगे ये चीज नहीं है, उन मांगे ये चीज नहीं है, कश्मीर मांगे ये चीज नहीं है। जहां से 27 फरवरी को जिंदाबाद, 27 फरवरी को जिंदाबाद है। और इसे कहा गया पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की आवाम ने आपकी तालियों में चाहिए और शुक्रिया के लिए जिन्होंने एयरटेल के होने नहीं के लिए बहुत जबरदस्त काम किया। शील्ड सीनियर जान करेगा मैडम मरियम डायरेक्टर से कारण साहब है। तो शराब हमारी साथ उनकी याद पर सीख रही है एक सीख रहे हैं।
इनाम लोग भी वो भी सारी सी आप डीएफसी आपने
ये चलते तो
लाइन में भी ड्रॉइंग करते हैं, लाइन में प्लीज। इसके बाद है बॉयज रनर अप, बॉयज रनर अप की कैप्टन आ रहे हैं ट्रॉफी के लिए, बॉयज रनर अप सामान की टीम की कैप्टन सुधार पाल साहब काफी प्रश्न भाग से आज भी प्रीत गणप्रीत आगे साथ देख सको
फिजा